दोस्तों आज की डेट में ज्यादातर लोग जो है गार्डिंग डॉग्स लेना पसंद करते हैं। वो डॉग्स लेते ही इसलिए है कि वो सोचते हैं कि मेरा डॉग मेरे घर को प्रोटेक्ट करेगा, मेरे मोहल्ले को प्रोटेक्ट करेगा और ये इतना एट्रैक्टिव और एग्रेसिव होगा कि आसपास के लोग उससे डर के रहेंगे। पर बहुत हद तक लोग ऐसे डॉग्स लेते हैं जिनका गार्डिंग और एग्रेसिव से दूर दूर तक नाता नहीं है। आप में से बहुत लोग अपने पेट्स के लिए लैब्राडोर, पोमरेनियम, पग, गोल्डन रिट्रीवर ऐसे दिखने वाले सुंदर सुंदर और बहुत ही फेमस लॉयल डॉग्स लेते हैं, बट ये डॉग्स फुल्ली फेमिलियर होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, तो ये डॉग्स बिल्कुल भी गार्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो पांच सबसे बेहतरीन भारत में पाले जाने वाले गार्ड डॉग्स, जिनके बारे में आपको भी पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको किसी पार्ट में लगे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ अंत में, और वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर पाँच से। नंबर पाँच में हमने रखा है जर्मन शेफर्ड को। दोस्तों जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव भी है और अपने फैमिली को बहुत अच्छे से गार्ड भी कर पाती है। ये अकेला डॉग नियर अबाउट 2 से 3 लोगों के साथ भी जाएगा अपने फैमिली को गार्ड करने के लिए, और ये अगर आपके आसपास कोई स्ट्रेंजर हो उस पर बार्क भी करेगा, लेकिन ये फैमिलियर और फ्रेंडली नेचर होता है उस पर, तो इसलिए हमने इसको नंबर 5 में रखा क्योंकि ये एग्रेसिव तो है, गार्ड भी करता है, आपको गार्ड भी करेगा, लेकिन इस पर फ्रेंडली बिहेवियर भी बहुत हद तक होती है। दोस्तों नंबर 4 पे हमने रखा है अमेरिकन बुली को। अमेरिकन बुली एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्कुलर टाइप डॉग है जो एग्रेसिव नेचर होता है उस पर, और वो गार्डिंग भी करता है, वो फ्रेंडली और फैमिली डॉग होता है, बट ये उतना फ्रेंडली नहीं होता कि स्ट्रेंजर्स अगर आपके ऊपर हार्म करने की कोशिश करे तो वो गार्ड नहीं करेगा। ये बहुत अच्छे से आपको गार्ड कर सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग गार्डिंग डॉग है, प्लस फैमिली डॉग है। आप इसको फैमिली में भी पाल सकते हैं और गार्डिंग पर्पस के लिए भी आराम से आप रख सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 में है हमारी डॉबरमैन। डॉबरमैन को हर कोई जानता है, डॉबरमैन एक बहुत अच्छा लॉयल डॉग है, इसको वन मैन डॉग भी बोला जाता है क्योंकि ये अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही ओनर को मानता है और उसके लिए मर भी सकते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां पर डॉबरमैन अपने फैमिली को बचाने के लिए, गार्ड करने के लिए खुद मर गया है। मतलब ये इतने हद तक गार्डिंग करता है कि वो देखता है कि उसके सामने उसकी मौत है, पर वो फिर भी आपको प्रोटेक्ट करेगा अपनी अंतिम सांस तक, वो इतना लॉयल और इतना ज्यादा गार्ड करते हैं। इन डॉग्स का भी नेचर बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेंडली तो ये होते हैं लेकिन गार्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और ये अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक पर्सन को ही अपना ओनर मानते हैं। दोस्तों नंबर 2 में है हमारी फ्रेंच मैस्टिफ। फ्रेंच मैस्टिफ एक बहुत ही लार्ज साइज का डॉग होता है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही काम नेचर के होते हैं। ये लोग अपने नेचर के लिए जाने जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही काम नेचर के होते हैं, ये भी फैमिली डॉग होते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, इनको आप बच्चों के साथ भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही काम नेचर के होते हैं, वो उतना ज्यादा उछल कूद और एक्टिव और एनर्जेटिक आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया गार्डिंग करते हैं वो लोग। ये लोग बहुत थोड़ा बहुत एग्रेसिव होते हैं, स्ट्रेंजर्स देखते ही बार करते हैं और आपके लिए बहुत बढ़िया गार्डिंग करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि किसी अपार्टमेंट की, फुल अपार्टमेंट की गार्डिंग पर्पस के लिए आप उनको रखना चाहते हो, तो इस टाइप के डॉग को रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग जो है उतना ज़्यादा मतलब कूदा फांदी नहीं करते, तो अगर अपार्टमेंट पे अगर बच्चे हो या फिर लोग आते जाते हो तो वो उतना ज़्यादा ये नहीं डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे उन लोगों को, बट जब कभी भी मुश्किल आए तो ये लोग अपनी पूरी दम देकर गार्डिंग करेंगे। दोस्तों नंबर 1 पे है हमारी पिटबुल। पिटबुल के बारे में बहुत से रूमर्स और बहुत से मतलब अननोन फैक्ट्स जो है प्रचार होते हैं कि पिटबुल वो करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, बट पिटबुल ऐसा बिल्कुल नहीं। पिटबुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा गार्डिंग और एग्रेसिव डॉग होता है। ये फैमिली डॉग उतना ज़्यादा नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल ना है,
क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी अलग तरीके से करना पड़ता है। आप अगर पहली बार डॉग ला रहे हो तो उनका आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग का नेचर जो है बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। वो समटाइम्स ओनर पे भी एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन ओनर को हार्म नहीं करते अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको पाल पाओ तो। ये लोग इतने मतलब टेरिफाइंग होते हैं, इनको अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग और सोशलाइज ना किया जाए तो अपने ओनर के फैमिली मेंबर्स को ये लोग हार्म कर सकते हैं, ये सच बात है। लेकिन पिटबुल एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और शानदार गार्डिंग डॉग होता है जो आप रख सकते हो। ये बहुत एग्रेसिव होता है जो आप रख सकते हो, घबराने की बात नहीं। अगर आपके पास पिटबुल लेने की आप सोच रहे हो तो घबराने की बात नहीं, ये उतना भी हार्ड नहीं है एज ए पेट रखने के लिए। बट हाँ, आपको आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानना होगा, प्रॉपरली उसको ट्रेन करना होगा और उसको जो है प्रॉपर उसका स्पेस देना होगा। मोस्ट ऑफ द डॉग्स इसलिए एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं होता। तो ये थी टॉप 5 मोस्ट गार्डिंग डॉग्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए मैंने इन सबको इसलिए बोला क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, और इंडिया में क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फैमिली डॉग्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंडिया में पालना। तो फैमिली डॉग्स के बारे में ही मैंने बात की। इसके अलावा इस पे रॉटवीलर आप ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉग्स से आप ऐड कर सकते हैं। डलमिशियन आप ऐड कर सकते हैं, वो भी गार्ड करते हैं, लेकिन डलमिशियन जो है थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। रॉटवीलर जो है वो भी थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होती है और हर किसी से हैंडल नहीं होता। पिटबुल भी हैंडल नहीं होता, लेकिन पिटबुल बहुत ही अच्छा डॉग है इसलिए मैंने पिटबुल को ऐड किया है। और भी बहुत सारे डॉग है, मैंने उनको ऐड नहीं किया। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम डॉग्स के एग्रेशन का रीजन होता है कि वो लोग जो है उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता और अपने ओनर से ज्यादा केयर टाइम नहीं मिलता, तो उस टाइम डॉग जो है ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, आपके ऊपर भी दिखाते हैं और अदर लोगों पर भी दिखाते हैं। गार्डिंग नेचर के डॉग्स जो है वो रॉटवीलर, पिटबुल, वो सब डॉग्स है जो मैंने बताए वो गार्डिंग नेचर के डॉग्स है, वो टाइम आने पे गार्डिंग करेंगे। लेकिन कोई डॉग अगर आप पर एग्रेशन दिखा रहे हो तो आप समझ जाना कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आपकी बिहेवियर, आपके जो हाव भाव है उसको देख कर ही वो एग्रेशन दिखाते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो टॉप 5 गार्डिंग डॉग्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच।